तो गाइज जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि नेक्सॉन का हेडलाइट टेस्ट किया जाए और इसके जो जो लाइट दिए गए उसका जरा टेस्ट करके बताया जाए कि हाईवे पे और सिटी में कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो आज हम आए हुए हैं अभी हाईवे पे और इसका आगे का हेडलाइट टेस्ट करेंगे। लो बीम, हाई बीम और जो भी इसमें सेटिंग दिए गए हैं मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इस लाइट में। तो गाइज ये इसका है फर्स्ट लुक जब कार को अनलॉक करते हैं। तो अभी देख लीजिए फिलहाल इसका DRA लाइट जो होते हैं वो जल रहे हैं और कोई लाइट्स नहीं जल रहे हैं। अब मैं इसका थोड़ा लो बीम जला के दिखाता हूँ। लो बीम जलाओ, ये इसके लो बीम जल रहे हैं। तो अब इसके लाइट्स की बात करें तो इसमें लाइट देता है प्रोजेक्टर लाइट प्लस LED लाइट देता है। अभी नीचे का फॉग लाइट मैंने नहीं इसका ऑन किया गया है, ऑन नहीं किया है, देख लीजिए अभी ये लो बीम चल रहा है। अब इसका थोड़ा आगे से देखते हैं कि कितना क्लियर है। ये देख लीजिए आगे से ये पूरा क्लियर चल रहा है भाई। अब इसके हाई बीम चेक करते हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये लो बीम जल रहा है। अब मैं इसके हाई बीम चेक करता हूँ। हाई बीम जलाओ इसका। ये इसका हाई बीम है, देख लीजिए कितना ज़्यादा है। हाई बीम में भी अच्छा खासा कवर करता है और इसमें ऑटो सेटिंग भी है। अभी ऑटो में नहीं लगाया गया और इसका क्या है कि ये कर्व लाइट दिया गया है। कर्व लाइट में क्या होता है कि जिस एंगल में अपना स्टेयरिंग घुमाएंगे उस एंगल में लाइट फोकस करेगा, उस एंगल में ही लाइट थ्रो करेगा। तो अभी नीचे का तो नहीं जलाया है। ये इसका हाई बीम है, देख लीजिए इसका ये हाई बीम जल रहा है भाई। आप ही लोग के कहने से ये वीडियो बना रहा हूँ या भाई, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये देख लो ये इसके हाई बीम जल रहे हैं। अब इसके मैं प्रोजेक्टर लाइट के साथ जो हाई बीम के साथ इसके फॉग लाइट भी जलाता हूं। अब इसके गाइस जो नीचे इसका एक और जो लाइट दिया गया है ये ऐसे नहीं जलते हैं। जब स्टेयरिंग को घुमाते हैं जिस एंगल में घुमाते हैं उसी एंगल में घूमता है। अभी आप देख लीजिए सीधा करो, अभी देख लीजिए नहीं जल रहा। जब स्टेयरिंग घुमाएंगे तब ये जलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से अभी पता चलेगा स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग घुमाओ, ये देख लीजिए स्टेयरिंग घुमा तो लाइट भी जल गया। ये कर्व लाइट होता है, कर्विंग कर्व कवर करता है, मतलब कि कोने का लाइट, मतलब अगर आपका पूरा लाइट कोने होने में गलियों में काटते हैं तो नहीं दिखाई देता, तो ये लाइट नीचे का ऑटो रहता है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। अब इसको अगर सीधा करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देख लीजिए पूरा स्टेयरिंग सीधा हुआ, ये बंद हो गया। इसी तरह ये दोनों साइड के हैं। अब इस साइड का मैं घुमा के दिखाता हूँ, देखो घुमा, ये देख लीजिए इसका इस साइड का पूरा स्टेयरिंग कटा तो नीचे का जल गया है। ये भाई ऑटो लाइट्स हैं। अब इसके थोड़ा इंडिकेटर के भी साइड चलते हैं, आप देख लीजिए ये सामने का कितना ज़्यादा व्यू कवर कर रहा है भाई। पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और भाई जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से इस कार में कुछ ज़्यादा ही फंक्शंस दिए गए हैं। अब मैं इसके थोड़ा इंडिकेटर भी चेक करा देता हूँ। इंडिकेटर चलाओ इसका, इंडिकेटर ये देख लीजिए ये इसका इंडिकेटर, ये भी LED लाइट देता है। अब इसके थोड़ा बैक साइड के लाइट की बात कर लेते हैं। बैक साइड ये इसका बैक लाइट जल रहा है भाई। लुक वाइज ये जो इसका लाइट जाता है ना भाई काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे लोग इसका एक बार 1000 लाइट चेक करिए आप लोग, ये देख लीजिए 1000 लाइट। और इसमें जो भी जितने भी लाइट्स दिए गए हैं सब LED लाइट दिए गए हैं। और यहाँ पे नंबर प्लेट का भी जो लाइट दिए गए हैं इसका LED लाइट वाइट कलर में दिए गए हैं। इसमें क्या क्या सेटिंग दिया है? इसमें 1, 2, 3, 4 मोड्स हैं। ऑफ मोड जो होता है जिसमें सिर्फ क्या कहते हैं DRL वगैरह सब ऑफ होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ के इंफोटेनमेंट से सेटिंग की गई कि DRL हमेशा ऑन रहे तो ऑफ में भी ऑन रहता है। ये वाला जो इसके बाद का मोड है इसमें सिर्फ DRL ऑन होता है। अच्छा, इसमें कोई लाइट और उसका फंक्शन नहीं रहता। ये जो मोड है ये बेसिक मैनुअल लो बीम हाई बीम है, ये लो बीम ये हाई बीम बस इसके लिए है। और ये जो है ये ऑटोमेटिक हेडलाइट है, ये ऑटोमेटिक है। इंटेंसिटी ऑटोमेटिक सेट करता है, जितना अंधेरा हो रहा है उस हिसाब से उजाला होने पे बंद कर देता है, अंधेरे होने पे ऑटोमेटिक जल जाता है। और कॉर्नरिंग सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक इनबिल्ट है। जब आप राइट की तरफ घुमाएंगे तो कॉर्नरिंग हेडलाइट आपके ऑन हो जाते हैं, जब आप लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो लेफ्ट साइड वाले ऑन हो जाते हैं। अच्छा, ये सिस्टम है इसमें, ये पूरा और सारा कंट्रोल वहीं से है, सारा डिस्प्ले यहाँ से। हाँ, डिस्प्ले से खाली DRL का कंट्रोल है। और इसमें एक चीज और है जो हेडलाइट जो है हॉरिजॉन्टली इसमें हो जाती है, प्रोजेक्टर है तो पूरा इलेक्ट्रिकल है इसमें। जैसे ये जीरो पे अभी है तो ये आपका हाई बीम के लेवल का इसमें उसी पे आ जाता है सिर्फ प्रोजेक्टर से। अच्छा, ये भी क्या चल रहा है? लो बीम की लाइट, ये लो बीम चल रहा है, ये लो बीम है लेकिन इसकी सेटिंग सबसे ऊपर की गई है। एक नंबर करने नीचे आएगा, दो पे और नीचे, और तीन पे सबसे नीचे। अभी ये ट्रक से पता चल रहा है ऊपर करना, ये देख लीजिए ये दो नंबर पूरा फुल करना, कितने ऊपर तक जाता है ये सबसे ऊपर वहां तक जाएगा, ये सबसे हाईएस्ट है इसका, ये एक पॉइंट कम हुआ और ये एक पॉइंट। वैसे भी भाई LED लाइट दिया इतना अच्छा खासा है और ये इसका सब सेटिंग हो जाता है इसी में।
तो फिलहाल गाइस हम गाड़ी को लेकर हाईवे पे आ गए हैं इसका लाइट टेस्ट करने के लिए। आप लोग आगे देख लीजिए कितना ज्यादा ही ब्राइट है इसका लाइट। एक पॉइंट ऊपर की है, रेंज है बड़ा। अच्छा, फिर एक पॉइंट और ऊपर की, रेंज है बड़ा। नहीं पता चल रहा सामने से। हाँ, एक पॉइंट और की, और ये ऊपर ही फाइनल था। उसको एक पॉइंट नीचे रखता है, आंख में ना गड़े। ये है, ये हाईवे में, ये हाईवे में, हाईवे में पूरा इधर तक कवर हो रहा है। हाईवे में इसका अच्छा, और कॉर्नरिंग भी है कि लेफ्ट राइट जब मोड़ो तो ऑटोमेटिक सामने गाड़ी आ रहा है।